शिमला शहर में केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं की आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 238 करोड़ की अमृत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि आज शिमला में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अमृत एक शहरी आवास योजना व स्वच्छ भारत योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 238 करोड़ रुपए की लागत से अमृत एक योजना के अधिकतर कार्य पूरे कर लिए गए हैं और बाकी बचे कार्य भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इसके तहत शहर में पार्किंग, पैदल मार्ग, पार्क व ओपन एयर जिम बनाने के कार्य हो रहे हैं। आज हमारी एक एमसी में मीटिंग थी, जिसमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो कि एमसी इंप्लीमेंट कर रहा है, जैसे कि अमृत वन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल और स्वच्छ भारत मिशन, इसका हम रिव्यू कर रहे थे। और इसमें जो जैसे अमृत वन के मैक्सिमम वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर की वाटर एंड सेप्टेज से रिलेटेड जो ज़्यादा था फाइनेंसेस उसी में गए हैं, और उसके अंदर एक दो एसटीपीज को छोड़ के बाकी कार्य कर लिया गया है। अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज थे, जिसमें कि एमसी ने पार्किंग्स कई जगह बना ली हैं और पार्क्स भी बनाए हैं और पेडेस्ट्रियन पाथ और पाथवेज भी काफ़ी बनाए हैं, जो आपको शहर में दिख भी रहे होंगे। हमने कई जगह जो अभी पार्क है, ओक ओवर पार्क 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत का ये बनाया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अब भी उसका इनॉग्रेशन भी किया गया है। तो ये तो एक बड़ा पार्क था जो हमने शिमला शहर में अमृत के तहत बनाया है। इसी तरह छोटे छोटे पार्क्स भी हर वार्ड में कई जगह बनाए हैं और वहाँ पे ओपन एयर जिम के इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाए गए हैं। इसी तरह हमने 33 किलोमीटर के आसपास पाथ्स बनाए हैं कुछ, और पेडेस्ट्रियन पाथ्स भी बनाए हैं। फुट ओवर ब्रिजेज इसमें कई जगह हमने बना दिए हैं और जो जिनका संचालन भी स्टार्ट हो गया है, और एक दो फुट ओवर ब्रिजेज जैसे कि संजौली चौक का जो मेन फुट ओवर ब्रिज है उसका कार्य चल रहा है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।